मैडम मैं वही हूँ, मुझे पहचाना? आप हमारे घर पे आई थी ना, वो हमारी बहू मीनू के ससुर जी हैं, संजय संजय नाम है मेरा। आप वो रीमा बनकर आई थी हमारे घर पे, ये साथ हमको आना पड़ा। तुम्हारे जो आस पड़ोसी है ना, उन्होंने कंप्लेन किया था कि तुम अपनी जो बहू है उनके माता पिता से बहुत दहेज मांगते हो, उनको बहुत तंग करते हो, इसलिए हमें वहाँ आना पड़ा। नहीं आप टेंशन मत लीजिए, सच को आज क्या कुछ मिला ही नहीं आपके खिलाफ हमको। बिल्कुल सही कहा आपने, सांच को आंच नहीं। क्यों भाई साहब, गलत बोल रहा हूं? बिल्कुल जी सही है, सही है। सारी बातें छोड़ो, इन दोनों को क्या हुआ यहाँ पे? ये दोनों कौन है, क्या हालत हुआ इनका? मैडम ये मेरे भाई है, और इनकी दुकान से, इन्हीं के हाथों से बनाई, इन्हीं के हाथों दी हुई खराब मिठाई की वजह से मेरे भाई बेहोश हो गए। तब बात कर रहे हो बे? हाँ, ए, का ये सच बोल रहे हैं? मैडम ये खड़े खड़े मिठाई चखने लगे, खाए भी और खाके अचानक चक्कर खाकर गिर पड़े, हमें नहीं पता कैसे हुआ। तुम चुप रहो बिल्ले, इनको सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचाना होगा, इनका तबीयत और खराब हो गया तो। जीप है उनमें, जीप पर डालो इनको। डालो और तुम अपना रसमलाई पैक करो थोड़ा। जल्दी जल्दी कीजिए भाई साहब। मैडम बहुत जल्दी, मैं एक और काम करता हूँ, एक गर्मा गर्म जलेबी आधा किलो पैक कर देता हूँ, मजा आ जाएगा, बहुत टेस्टी है। हमें टोपा होगा, अपने घर के लिए नहीं लेके जा रहे हैं तुम्हारा ये जलेबी, समझे? सैंपल के लिए लेके जा रहे हैं। ये खा के इनका ये हालत हुआ है तो जांच पड़ताल तो करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं मैडम जी, देखिए हमारा रसमलाई पूरे लखनऊ में वर्ल्ड फेमस है। होगा होगा, लेकिन जांच पड़ताल के बाद ही हम बताएंगे। बिल्ले सैंपल भी लेकर आना। हाँ हाँ बिल्कुल। भाई साहब सब ठीक है ना? भाई साहब आपकी वो खराब मिठाई खाकर मेरे भाई जैसे दो दोस्त चल दिए। क्या? निकल लिए, खत्म हो गए, डेड एंड। हे भगवान अब क्या होगा? साहब गाँव। अरे भाई साहब ये सब आपकी और जो आपका स्टाफ भाग के गया है ना, उनकी लापरवाही के वजह से हुआ है। भयंकर फंसे हो तुम, कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए आपको फांसी लग जाए। भगवान अभी भी इधर ही बैठे हो? अरे जाओ थाने में, जाओ FIR रुकवाओ, अपने सबूत मिटाओ, जाओ। हाँ, हाँ। अबे कहाँ जा रहे हो? किससे मिलना है, क्या पूछना है ये तो पूछो। तो किससे मिलना है? कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी से मिलना है, उनसे कहना है कि मैंने भेजा है, जाओ। अरे रुको, टाइम क्या हुआ है, उसकी ड्यूटी खत्म हो गई है, वो आपको थाने के बाहर एकदम सामने वाले बस स्टॉप पे मिलेगा, जाओ बस स्टॉप में। ए, रुको। हाँ, अब क्या? ये स्कूटर तुम्हारा है? हाँ, मेरा। तो इस पे चले जाओ ना। अरे चीता चतुर्वेदी, अरे ये तो वही है। भाई साहब चीता चतुर्वेदी आप ही है ना? हाँ जी, मुझे आपसे मिलना था। आइए आइए साहब, मैं संजय हूँ। तो क्या करे भाई? सर एक केस आया होगा आपके थाने में। अरे यार हमारे थाने में तो रोज केस आता रहता है, हाँ? कौन से केस के बारे में बतिया रहे हो तुम? सर वो गुलाब जामुन खा के दो आदमी टैब भूल गए, स्वर्गवासी हो गए, वो वाला केस। जनता मिष्ठान भंडार वाले संजय, नमस्कार। कितना गंदा आदमी है तुम ना बाबू, बचोगे नहीं तुम मरोगे, बहुत गंदा मौत मरोगे। बचा लीजिए मुझे सर प्लीज। कैसे बचा ले तुमको हम ना, यहाँ पर देख रहे हो बस की लाइन में खड़े होकर यहाँ पर हम इतना देर तक इंतजार करते हैं, सरकारी टाइम जो फ्री का मिलता है वो तो बचा नहीं पाते, तुमको खा के बचाएंगे हम? नहीं नहीं कोई बचा लीजिए सर, सर बात कर रहे हो, एक काम कर लीजिए आप, जाओ ये, यार ये रख लीजिए आप, काम तो से चले जाइए। सो ऑटो से तो आज चले जाएंगे ना, कल से फिर का, कल से तो फिर यहीं पर खड़ा रहना पड़ेगा हमको। हाँ लेकिन अगर हमारे पास एक वो स्कूटर रहता ना पीले रंग का, हमको बड़ा पसंद है, बात कुछ और होता। ठीक है सर, ठीक है मैं समझ गया, सब समझ गया, भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास। ये आपकी है,
ना संजय जी। नहीं नहीं सर, स्कूटर आपका है सर। संजय जी, स्कूटर आपका है, आप रखिए, चलाइए। नहीं नहीं, आपका सर, आज से आपका स्कूटर है, आप ले लीजिए। नहीं नहीं सर, नहीं संजय जी, मैं दे रहा हूँ सर, खुशी से दे रहा हूँ, आप रख ली। हेलमेट भी ले जाए इसका। जी ये भी आप ही का ही है, ले लीजिए। बहुत बढ़िया यार, तो पीला रंग का स्कूटर रखे हो तुम यार। लेकिन सर एक सेकंड सर, सर इस केस से मुझे निकलवा दीजिएगा प्लीज सर, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। ए संजय जी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप, आपने थाना जाइए, वहाँ पर को बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की मिलेंगी आपको, संतोष शर्मा नाम है उनका। आप ना उनको पर्सनली हमारा नाम ले दीजिएगा, कहिएगा कि चीता चतुर्वेदी जी भेजे हैं, आपका काम हो जाएगा। क्या बोलिएगा? ओ चीता चतुर्वेदी जी ने मुझे आपके पास भेजा है, वो मेरा डबल मर्डर का केस चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, चीते ने मुझे बताया था आपके बारे में। देखिए सर, क्या है ना, मेरा भी प्रॉब्लम है ना, सॉर्ट आउट नहीं हुआ है सर, मेरा ये जो लैपटॉप है ना वो खराब हो गया है। अब आपका केस फास्ट सॉल्व करने के लिए मुझे एक नया फास्ट लैपटॉप चाहिए होगा, है ना? और नया लैपटॉप सर आता है 1,20,000 का, इतनी सी तनख्वाह में मैं इतना महंगा लैपटॉप कैसे खरीद सकती हूँ? कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। देखिए टाइम थोड़ा है, वरना मैं तो लाइन लगा देता ऐसे लैपटॉप की। अब फिलहाल एक काम कीजिए, ये मेरा क्रेडिट कार्ड है, इससे आप ऐसा एक लैपटॉप ले लीजिए। अब मैं इस केस से बरी हो जाऊंगा ना, मुझे फांसी की सजा तो नहीं होगी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होगी, आप टेंशन मत लो। आप एक काम कीजिए, यहाँ पर ना हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह है, हाफ डे लेकर वो अपने घर पर गई है, आप उनके पास चले जाइए और उनसे कहिएगा कि मैंने आपको भेजा है, आपका केस हो जाएगा सॉल्व। अब देखिए ना, पिछले 5 साल से बस यही फर्नीचर देख देख के ना हम थक गए, चाह लीजिए ना, बहुत थक गए हैं। सोच रहे थे कि कहीं से बस 5 लाख का इंतजाम हो जाए ना तो घर में नया फर्नीचर आ जाएगा, मगर क्या करें, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। अभी मैं आपके लिए ये नया फर्नीचर की बंदोबस्त कर देता हूँ। वैसे मन तो नहीं मान रहा है, मगर आप अगर इतना कह रहे हैं तो बस आपकी खुशी के लिए हम ले लेंगे फर्नीचर। आप एक काम कीजिए, एसआई करिश्मा सिंह जो है ना, आप कल जाके उनसे मिलिएगा और उनसे कहिएगा कि हमने भेजा है आपको, समझ गए? देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कैसा परेशान करती है हमको, हमारा पूरा जिंदगी ऐसा किक मार मार के निकल जाएगा, बता रहे हैं हम आपको। अब बताइए, गाड़ी होता हमारे पास बढ़िया सा, हम उसमें बैठती, ऐसे स्टार्ट करते वो स्टार्ट हो जाती, शाम तक कार आपके घर में आ जाएगी। हाँ सिर्फ इस केस से मुझे निकलवा दीजिए, अब बरी कर दीजिए। नहीं नहीं, वो टेंशन आप छोड़िए। हाँ छोड़ दीजिए, हमारी तरफ से समझो सब निपट गया। लेकिन कहा है ना, आपको ना मैडम सर से मिलना पड़ेगा। काश एक शांत सी एकांत सी जगह पर हमारा एक प्यारा सा अच्छा सा बंगला होता जिसमें हम आराम से रहते, लेकिन हम तो ठहरे सरकारी नौकर, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? चाबी रख लीजिए मैडम। आपकी दुकान की? नहीं नहीं, हमारे बंगले की। अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, आप रख लीजिए ये चाबी, सिर्फ हमको ये डबल मर्डर केस से बचा लीजिए मैडम जी। आप ना एक काम करिए जी, आप DSP सर से जाकर मिलिए। दो लोगों की जाने गई है आपके मिष्टान्न भंडार के विषाक्त मिठाई खाकर, फांसी नहीं तो कम से कम उम्र कैद की सजा निश्चित है। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा, इसीलिए तो आपसे मिलने के लिए आया मैं। अब जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। हम समझे नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? जी सर जी, वो हसीना मैडम जी ने मुझसे कहा था कि मैं आपसे आकर मिलूं, तो आप केस का पूरा रफा दफा कर देंगे, कोई केस नहीं होने देंगे मुझ पर। किसने कहा? नहीं सर, हमने बिल्कुल नहीं कहा था कि आप मामला रफा दफा कर देंगे, हमने बस कहा था कि DSP सर से जाकर मिलिए, अपनी बात उनके सामने रखिए, वो अच्छे आदमी हैं, हो सकता है आपकी सजा थोड़ी सी कम कर दे बस। अरे ये आप क्या कह रही है मैडम, हमने आपको पूरा घर दे डाला रिश्वत में और अब सबके सामने पलटी खा रही है। तौबा तौबा, क्या बकवास कर रहे हैं आप, हमने कब मांगी रिश्वत? अरे कल की बात है मैडम, पूरा 2,000 square feet का घर दे डाला मैं आपको रिश्वत में। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप, हमने मांगा था क्या आपसे आपका घर? हमने ऐसा कहा था कि आप अपना घर हमें दे दीजिए, बदले में हम इस केस में आपका फेवर करेंगे, कहा था ऐसा? नहीं ऐसा कहा तो नहीं था डायरेक्टली। हे भगवान, तुम तो आराम से जेल चले जाओगे, मेरा क्या होगा? अरे तुम चुप रहो भाग्यवान, सर हमने तो यही सोचकर अपना पूरा घर इनको दे दिया कि इस केस से बचा ले, हमारी मदद करे वो। लेकिन आपको लगा ही ऐसा क्यों?
क्योंकि मुझसे कहा गया। किसने? इन्होंने। हमने? हाँ। करिश्मा सिंह आपने? नहीं मैडम सर, मां का टोपा आदमी हो बे तुम। हमने कब कहा ऐसा? ने कहा ना कि वो... क्या कहा? हमने कहा था कि मैडम सर से जाके मिलो, ये नहीं बोला कि मैडम सर तुम्हारा मदद करेंगी। हाँ लेकिन ऐसा डायरेक्टली कौन मांगता है? आपका कहने का मतलब तो वही था ना मैडम, इसीलिए तो मैंने मेरा कार दे दिया आपको। हमने थोड़ी ना कार मांगी थी। अरे हमने नहीं मांगी कार, हमने कहा था हमारे पास एक बढ़िया कार होती तो मजा आ जाता। अब हमें क्या पता आप इतने दयावान निकलेंगे कि कार ही लाके हमारे सामने खड़ा कर देंगे। तुम तो आराम से जेल चले जाओगे, हमारा क्या होगा? अरे भाग्यवान तुम चुप करो, मामला सुलटाने दो मुझे यहाँ तो। एक मिनट, सर। अरे क्या भाई, क्या? हाँ हमारी तरफ क्या देख रहे हो? हमने थोड़ी कहा था कि करिश्मा जी तुम्हारी मदद करेंगी, हमने तो सिर्फ कहा था जाके करिश्मा जी से मिलो। लेकिन इसीलिए मैंने 5 लाख का, अरे 5 क्या 7 लाख का फर्नीचर दे दिया आपको। वाह भाई वाह, बताइए। बेल मुझे मार, खुद ही तोहफा देते हो और फिर रिश्वत का भद्दा इल्जाम लगाते हो हम पर, और वो भी हम पर, हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह पर। हाँ हमने मांगा था फर्नीचर, मांगा था हमने। हाँ मांगा तो नहीं था। भगवान तुम तो आराम से जेल चले जाओगे, मेरा क्या होगा? हसीना जी। जी सर। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें पता भी नहीं और आप किसी प्लान का हिस्सा बन गए हैं? होता है सर, कभी नाव पानी में कभी पानी नाव में। आपने भी तो हमें अपने प्लान का हिस्सा बना लिया था बिना बताए, तो आज हमने अपने प्लान का हिस्सा आपको बना लिया बिना बताए। सो प्लीज कोऑपरेट। वाह कमाल हो गया, यहाँ पर किसी ने कुछ नहीं मांगा लेकिन मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। भगवान का दिया हुआ कुछ नहीं बचा हमारे पास। भाग्यवान जो जिसने मांगा सब दे दिया। सर सर आप ही एक सहारा है सर, आप ही कुछ कीजिए, बख्श दीजिए हमें, माफ कर दीजिए, इस केस से निकाल दीजिए हमें। देखिए संजय जी, ऐसा है कि ये केस हसीना जी के थाने का है और इस केस को सुलझाने का अधिकार इनका ही है। क्यों बख्श दे हम आपको? आपने मीनू के माता पिता को बख्श दिया था, उनकी तकलीफ उनकी मजबूरी नजर नहीं आई आपको? बेटी के प्यार के आगे मजबूर थे दोनों, इसलिए जब जब आपने जो जो मांगा चुपचाप बेचारे देते गए, इस उम्मीद से कि शायद ये आपकी आखिरी मांग होगी और अब उनकी बेटी खुश रहेगी ससुराल में। बेटी की खुशी की कीमत चुकाते चुकाते न जाने कितने माँ बाप सड़क पर आ गए, लेकिन आप जैसे लालची लोग मांगते नहीं थकते। अरे बस कीजिए, 2021 शुरू हो गया और अभी तक आप दहेज के लालच में फंसे हुए। नई सोच के साथ नई दुनिया में कदम रखिए, जहां बेटा बहू सब एक समान है, जहां ससुराल और पीहर दोनों एक परिवार है। मैडम जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आज के बाद हम अपनी बहू मीनू को दोबारा शिकायत का मौका कभी नहीं देंगे। हाँ मैडम जी माफ कर दीजिए, हम सिर्फ आप ही से माफी नहीं मांग रहे, हम अभी जाकर मीनू के घर वालों से भी माफी मांगेंगे और जो कुछ भी उन्होंने दिया हम सब वापस कर देंगे। अब मीनू के रूप में हमें एक बेटी मिल गई और हमें क्या चाहिए? अब चाहे हमें फांसी की सजा हो या जेल की सजा, चाहे इस धरती में रहे चाहे ऊपर रहे, कहीं भी हम आराम से जी लेंगे। अजी आप आराम से जेल चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? आप दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना जेल ना ऊपर। बिल्लू यही दोनों तो मरे थे गुलाब जामुन खाके। सर ये जिंदा है तो ये दोनों के दोनों? जी ये दोनों जिंदा हैं और बिल्कुल ठीक है और आपकी मिठाई में कोई भी खराबी नहीं है। दरअसल हमने एक छोटा सा नाटक किया था आपकी आंखें खोलने के लिए। तजुर्बा कहता है हमारा कि किसी भी क्रांति की शुरुआत
बड़े से हंगामे से नहीं होती, बदलाव की शुरुआत होती है एक नई सोच से। इसलिए अभी आप दोनों को तय करना है कि आप इस दहेज नाम के दानव को पनपने देना चाहते हैं या फिर नई दुनिया में नई सोच के साथ कदम रखना चाहते हैं। वाह, क्या बात है हसीना जी, केस सॉल्व करने का आपका ये तरीका तो काबिले तारीफ है, इसलिए आप हसीना मलिक हैं। थैंक यू सर। सन्नाटे को चीरती हुई आती है और मुजरिमों के छक्के छुड़ा के अंधेरे में गायब हो जाती है। कौन है वो, कैसी दिखती है, किसी को नहीं पता। पता है तो सिर्फ उसका नाम कयामत, जो बताती है खुद को इंसाफ का दूसरा नाम, इंसाफ की एटीएम मशीन। फरियाद अंदर और इंसाफ बाहर, ना ही कोई एफआईआर, ना ही कोई रिपोर्ट, डायरेक्ट इंसाफ, वो भी ऑन द स्पॉट। बता कैसे कैसे लोग रहते दुनिया में, कुछ भी कर डालते हैं सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए। नहीं पुष्पा जी, हमको क्या पता कि सस्ती पब्लिसिटी हो रहा है, कोई और बात भी हो सकता है ना, कोई और प्रॉब्लम भी हो सकता है। हम कैसे आप क्यों उसकी तरफ से बोल रहे हो मैडम, हमें तुम टोपा हो, हम उसकी तरफ से बोल रहे हैं का? हाँ हम कब ऊपर की चिड़। जय जय, ये पढ़ा किसी ने, पढ़ा कि अब तक सो रहे हैं आप लोग। फ्रंट पेज की न्यूज में हर जगह यही लिखा है, हर लोकल न्यूज पेपर में, हर लोकल न्यूज चैनल में बस यही बात है, पुलिस के नाक के नीचे एक कयामत नाम की नकाबपोश जो है अपनी हीरोगिरी वाली गुंडागर्दी दिखा रही है। और हम क्या कर रहे हैं, हाथ पे हाथ धरे खड़े हैं। आप सबका पता नहीं लेकिन हमें इस बात पर बहुत शर्म आ रही है। और ये पढ़ा आपने, ये मोहतरमा अब इंटरव्यू देने लगी है। क्या लिखा है हमारे बारे में, SHO हसीना मलिक और SI करिश्मा सिंह किसी भी काम की नहीं है, उनकी किसी को कोई जरूरत नहीं है। मैडम सर आप टेंशन मत लीजिए, ये लोकल न्यूज़पेपर है, ज्यादा लोग नहीं पढ़ेंगे। मैडम सर यही है वो सारे फसाद का जड़, यही है वो जिसने कयामत का इंटरव्यू लिया। बोलना यार, मुंह में का दही जमा कर बैठो, बोलो क्या तेरा। आप चुप। मैडम सर मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था, मैं इस कयामत के बारे में कुछ नहीं जानता, यकीन मानिए मेरा। उसने फोन करके इंटरव्यू दिया तो मैंने छाप दिया, तस्वीर दी वो भी छाप दी, इसके अलावा मेरा कोई लेना देना नहीं उससे, आई स्वेयर। संतोष शर्मा नंबर लो। सनी का नंबर है मैडम सर। कयामत का नंबर लो, कयामत ने जिस नंबर से फोन करके सनी को इंटरव्यू दिया वो नंबर लो। ओके मैडम सर। करिश्मा सिंह, हमने आपको उस कयामत की पगड़ी दी थी, कहा था पता लगाने को, कुछ पता चला? हाँ हम पता लगा रहे हैं, हमने मार्केट एरिया वालों से सबसे पूछ लिया लेकिन कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली मैडम जी। हाँ लेकिन हजरतगंज का एरिया भी बचा है, वहाँ से हमको ऐसा लग रहा है कि वहाँ से कुछ खास इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मैडम सर हम क्या सोच रहे हैं, इस बार हम यूनिफॉर्म में नहीं जाते, हम नॉर्मल कपड़ों में जाते हैं और डायरेक्ट नहीं पूछते हैं उसके बारे में। हम ना मतलब पगड़ी खरीदने के बहाने जाते हैं ताकि उस नकाबपोश को ऐसा अंदाजा ना हो जाए कि हम आ रहे हैं और वो अलर्ट ना हो जाए, आप समझ रही हैं? हम समझ रहे हैं, इनफैक्ट आई एम इम्प्रेस्ड, ये बहुत अच्छा आइडिया है। इनफैक्ट आप पुष्पा जी को साथ ले जाइए, कोई बुजुर्ग साथ में होगा तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑल द बेस्ट। चोर को ही तिजोरी की रखवाली करने का जिम्मा दे दिया, कयामत तो आपके हाथ कभी नहीं आएगी मैडम सर। क्या हुआ भैया? ब्रेक था वो। का? ब्रेक था वो। ये अच्छे से ब्रेक को अच्छे से चेक करो, समझ गए अच्छे से। हाँ काय दतिया रही है क्या, कार्टून नेटवर्क चल रहा है हमारे चेहरे पे। आपका तो नसीब ही खराब है, जिस भी गाड़ी में बैठ जाती है उसका ब्रेक फेल हो जाता है। पुष्पा जी हम काम कर लें, हम यहाँ काम करने आए हैं, हमें काम करने के ना पैसे मिलते हैं समझे, तत्याने से कुछ नहीं होगा। मगर काम करते हैं हम पापी पेट के लिए, और इस पापी पेट को फिलहाल ना सितारा चंद की चाट खाने की भूख लगी है। छी, क्या छी? सितारा चंद चाट बनाता है क्या? तारा चंद की चाट सबसे अच्छी चाट है, क्या स्वादिष्ट लजीज चटपटी तीखी चाट। तो आपको जिसकी चाट खानी है आप उसकी चाट खाइए, हमको जिसकी खानी है मतलब सितारा चंद की, हम उसकी चाट खाएंगे। नहीं हम तारा चंद की चाट खाएंगे। हाँ तो ठीक है ना, हो गया ना तय, अभी चलो भैया गाड़ी घुमा, रिक्शा घुमा। हुआ ठीक, अच्छे से ठीक हुआ, देखा चेक किया, चलो चार बार चेक करो भैया। हाँ दोबारा ब्रेक नहीं फेल होनी चाहिए।
बता रहे। चलो 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 जल्दी चलो। अरे भैया वहाँ सड़े की दुकान पे मत जाना, यहाँ मिलता है एकदम असली माल। हाँ बढ़िया आ गई। पैसे? हाँ आप दे देना पैसे। खाओ खाओ। अरे पुष्पा मैडम नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। बताइए क्या सेवा करें आपकी? हाँ हमें बढ़िया सा चाट खिलाइए। नमस्कार, बहुत दिन बाद आई आप। क्या खाएंगी? आपकी फेवरेट आलू की टिक्की लगवाना है? जल्दी लगवाओ आलू टिक्की। जल्दी लगवा देंगे। आप जैसे ग्राहक इतने इतने दिन में आएंगे तो हमारा कैसे घर चलेगा? हमें तो इतनी खुशी है आपके आने की। लीजिए खाइए इसे। खाइए खाइए बड़ी। अरे भैया, अरे भैया वहाँ कहाँ जा रहे हैं? सड़ी हुई दुकान पे। इधर आइए, सितारा चंद आइंस्टाइन की दुकान है, चाट वाले की। बरसों पुरानी न्यूटन की दुकान है, 1947 से। ये है, यहाँ है। खाना है तो यहाँ आइए, वहाँ मत जाइए। सड़ा हुआ माल खाना तो वहाँ जाइए, बढ़िया यहाँ मिलता है, एक बार आइए आप। अरे सितारे ज्यादा टिमटिमाओ मत, ऐसा दिन कर देंगे कि फिर चमक नहीं पाओगे। हमारे ग्राहक से लपाझपी कर रहे हो आप, आकर खा कर तो देखिए। आइए लगाओ लगाओ टिक्की लगाओ। अरे छोड़िए,